Hi everyone, this is Gaurav and I welcome you on the behalf of Classgo Education online YouTube learning channel. So अभी आप लोगों ने देखा होगा मॉड्यूल 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 1857 से पहले कौन कौन से रिबल मूवमेंट्स हुए और क्या क्या मिजरीज थी लोगों की, क्या क्या ग्रीवियंसेस थे. और मैंने आपसे ये कहा था कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा. तो ये जो ट्राइबल मूवमेंट वाला जो लेक्चर है ये पार्ट 2 है उसी पर्टिकुलर सीरीज़ का. और आज हम लोग जानेंगे कि ये ट्राइबल मूवमेंट्स 1857 से पहले जो हुए थे उनमें से कौन से ट्राइबल मूवमेंट जिनका आप कह सकते हो अपस्विंग और अपराइज इम्पैक्टफुल था. ठीक है, तो ये जो सारा अभी मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंटेशन में ये सब कुछ अराउंड ट्राइबल मूवमेंट ही के अराउंड है. ठीक है, और अभी हम लोगों ने जो इसका पिछले वाला वीडियो था उसमें हम लोगों ने वेटलैंड्स ऑफ बंगाल के बारे में बात की थी. और आज हम लोग बात करेंगे कि ड्रायर जोन्स, और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो ये राजमहल हिल्स हैं उसके आसपास किस तरीके के ट्राइब्स रहते थे. क्योंकि राजमहल हिल्स आप लोग को मालूम होना चाहिए कि ये बेसिकली झारखंड में ईस्टर्न पोर्शन में है. ठीक है, राजमहल हिल झारखंड से एसोसिएटेड है और जुरासिक पीरियड से ही इसका वॉल्केनिक इरप्शंस के थ्रू इसका फॉर्मेशन हुआ है. और ये जो राजमहल हिल है, जो इसका अपर पोर्शन है, जो अपर हिल्स हैं इसकी राजमहल की, यहाँ पे जो ट्राइब्स रहती हैं उनका नाम है पहाड़िया नाम है उनका बेसिकली. और जो वैली वाला पोर्शन है, जो प्लेन वाला पोर्शन है, वहाँ पे जो ट्राइब रहती है वो संथल ट्राइब है. ठीक, तो पहाड़ीज और संथल. पहाड़ीज कहाँ है, अपर हिल में है, और संथल्स क्या है, वैली पोर्शन में, और आप कह सकते हो जहाँ पे प्लेन है. अब हुआ क्या कि जो ये पहाड़ीज थे जो अपर हिल्स में रहते थे, तो ये क्या थे कि ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे और ये वहाँ के फॉरेस्ट नहीं काटना चाहते थे क्योंकि इनकी डिपेंडेंसी फॉरेस्ट के ऊपर ही थी पूरी. ठीक है, क्योंकि ये फॉरेस्ट से आप देखोगे तो ये फॉरेस्ट से वुड कलेक्ट करते थे, महुआ करके एक फ्लावर है उसको कलेक्ट करते थे, सिल्क कोकून्स के बारे में वहाँ पे डिस्कशन है. ये सारी चीज़ें आप पहाड़ीज़ के बारे में भी आपको बताऊँगा जब मैं पहाड़ीज़ के बारे में बताऊँगा. और लाइकवाइज ये जो संथल्स ट्राइब थी ये 1780s के अराउंड राजमहल हिल के आसपास देखी गई और ब्रिटिशर्स ने इनको इन्वाइट किया, ज़मींदार्स ने इनको इन्वाइट किया कि हम आपको लैंड देंगे और यार उस लैंड के आसपास जो फॉरेस्ट है आपको उन फॉरेस्ट को काटना है और वहाँ की जो लैंड होगी वहाँ पे आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करिए. ठीक है, तो ब्रिटिशर्स इनके फेवर में थे बट पहाड़ीज के फेवर में ब्रिटिशर्स नहीं थे. और आप ये भी कह सकते हो कि ब्रिटिशर्स ने उनको भी कन्विंस करने की कोशिश की पहाड़ीज को, बट पहाड़ीज ने डिनाई कर दिया फॉरेस्ट कटिंग से लेकर इस बहुत सी चीज़ों पर. ठीक है, तो अभी हम लोग ये ट्राइबल मूवमेंट्स जानेंगे और हम लोग ये जानेंगे कि ये ट्राइबल मूवमेंट का इम्पैक्ट क्या था और कैसे ये अपराइज हुए. तो इसमें सबसे पहला जो ट्राइबल मूवमेंट है वो है संथल रिबेलियन. ठीक है, तो संथल रिबेलियन के बारे में हम लोग को जानना है. तो अभी हम लोग देखते हैं कि संथल रिबेलियन है क्या. ठीक, तो संथल रिबेलियन में ये है कि अब मैंने आपको बताया था कि ये जो राजमहल हिल्स हैं जो झारखंड में है, इसका जो वैली पोर्शन है, जो प्लेन पोर्शन है, वहाँ पे संथल्स थे. तो ऐसा बोला गया है कि लेट 18th सेंचुरी में जो रिवेन्यू रिकॉर्ड्स थे उसमें ये पता चला कि जो संथल जो ये लोग थे ये 1780s में राजमहल हिल के आसपास देखे गए. ठीक है, और जब ये वहाँ पे देखे गए तो ज़मींदार ने इनको ऑफ़र किया, इनको हायर किया और इनसे कहा कि आप अपने हमको कल्टीवेशन एक्सपेंड करना है और आप हमारी इसमें हेल्प करें. ठीक है, और आपको फॉरेस्ट कटिंग करनी है और फॉरेस्ट कटिंग से जो भी लैंड ऑक्यूपाई होगा आप उस पर एग्रीकल्चर करिए. ठीक, ब्रिटिशर या आप कह सकते हो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने भी इस आइडिया को अप्रिशिएट किया, ज़मींदार्स के थ्रू उस चीज़ को चैनलाइज करा. और धीरे धीरे क्या हुआ कि संथल्स ने एक जो पहले आप डिस्पर्स थे वो बेसिकली क्या हो गए, सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट हो गए. ठीक है, क्योंकि उनके पास लैंड थी और उस लैंड के अलॉन्ग वो एग्रीकल्चर करते थे, प्रोड्यूस करते थे. और एक डिमार्केशन बना दिया गया था, ब्रिटिशर्स ने बना दिया था, ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने, कि ये जो संथल का जो रीजन है, ये लार्ज एरिया ऑफ लैंड है, ये बेसिकली दामिने को ही इसको बोलते हैं, दामिने को ही. तो ये दामिने कोह ये रीजन है, ये रीजन संथल का रीजन है.
ठीक। और यहाँ पे संथल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेंगे, प्लो एग्रीकल्चर करेंगे, ठीक है। और ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, सेटल्ड पीजेंट्स हो जाएंगे, ठीक। लैंड ग्रांट्स देने लगे, ठीक है, संथल को, ये संथल्स जो ट्राइब्स थी उनको लैंड ग्रांट्स मिला। तो ये सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स इसलिए कर रहे थे क्योंकि एक टेरिटरी बन जाए पीजेंट्स की, और वो अपना लैंड रेवेन्यू सिस्टम और ये सारी जितना भी उनका प्रोसेस है इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करते से, और उनको जो फ़ायदा भी मिल सके। बट हर्डल में क्या था, पहाड़ीज आ रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम लोग देखते हैं संथल रिबेलियन। तो जब आई टोल्ड यू दैट जमींदार्स बेसिकली हायर्ड संथल इन बंगाल फॉर कल्टीवेशन, उसके बाद संथल ऑक्यूपाइड द लैंड ऑफ राजमहल हिल्स। मैंने आपको बताया ये लैंड जो ऑक्यूपाई किया ये बेसिकली क्या है, वैली वाला लैंड है। उसके बाद इन 1832 अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड वॉज डिक्लेयर टू बी द लैंड ऑफ संथल। इसको बोलते थे दामिने कोई, आप याद रखिएगा दामिने कोई, ठीक। ये जो लैंड है ये डिमार्केशन दामिने कोही, ये लैंड ऑफ संथल्स था। उसके बाद पहले जो संथल्स के विलेजेस बहुत कम थे, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम थी, अब ये संथल के जो विलेजेस थे ये 1473 के आसपास 1851 में रिकॉर्ड्स में देखे गए, और जो पॉपुलेशन थी वो 82,000 हो गई। तो आप ये देखिए संथल की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। जो संथल स्टार्टिंग में 3,000 थे 1780s में, वो अराउंड 82,000 के आसपास हो गए, ठीक। तो इसका मतलब संथल्स की टेरिटरी बनने लगी, सेटल्ड एग्रीकल्चर रिस्ट बन हो गए वो लोग। तो ये सारी चीज़ें संथल्स के बारे में। बट जैसे जैसे संथल्स की टेरिटरी बनी, उनका एक्सपेंशन हुआ, उनकी पॉपुलेशन बढ़ी, तो उनको ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं, ये जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं, जमींदार्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, दे आर लेवाइंग हैवी टैक्सेस। लेवाइंग का मतलब बेसिकली क्या होता है, इम्पोज। लेवाई का मतलब होता है, लेवी कह सकते हैं आपके, इसको कहते हैं इम्पोज। तो उनको लगा कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं, ये जो टैक्सेस का इनका जो सिस्टम है ये काफ़ी बर्डन है, इससे उनके ऊपर आ रहा था। क्योंकि ऐसा नहीं था कि वो पूरी तरीके से एक सेटल्ड एग्रीकल्चर, क्योंकि प्रॉब्लम्स थी उस समय, ठीक। और फेमाइन का भी मैंने बताया था, फेमाइन भी आ चुका था। तो ये जो ड्रायर रीजन था इसमें प्रॉब्लम्स थी। तो संथल की टेरिटरी, उनके पॉपुलेशन जब बढ़ने लगी, एक्सपैंड हुई, तो उनको ये हैवी टैक्सेस से रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स होने लगी। तो फिर क्या हुआ, जब ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग हुई तो मनी लेंडर्स के थ्रू भी उन्होंने देखा कि जो इंटरेस्ट है, मनी लेंडर्स जो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं उन लोगों से जो पीजेंट्स बन चुके थे, वो भी क्या था, बहुत ज़्यादा था। तो ये भी एक बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उनके सामने, संथल्स के सामने। फिर क्या हुआ, एक मोबिलाइज्ड लीडरशिप यूनिट बनी आप कह सकते हो, कि जिसमें 1850 के पास पास मनी लेंडर्स के अगेंस्ट, ज़मींदार के अगेंस्ट, ब्रिटिश ऑफिशियल कॉलोनियल स्टेट के अगेंस्ट संथल्स मोबिलाइज हो गए, और जो भी उनके ऑफिसेस थे, जो भी उनका रेवेन्यू सिस्टम था, और तो उसमें उन्होंने वहाँ पे प्रॉब्लम की, संथल्स ने रिबल्स किए, और इसमें काफ़ी लोग की डेथ भी हुई। और ये माना गया है जो ये रिवोल्ट संथल को मोबिलाइज करने का हुआ, ये बेसिकली दो ब्रदर्स थे जिनका नाम था सुद्धू और कानू। सुद्धू और कानू ने संथल्स को मोबिलाइज किया, उनको ये बताया कि ये जो डिवाइन ऑर्डर होता है, ये जो 1855 में है, ये डिवाइन ऑर्डर सबको फॉलो करना है संथल्स का, और ये डिवाइन ऑर्डर संथल्स के बीच ही में बना। इस डिवाइन ऑर्डर को ये बोला गया कि ये डिवाइन ऑर्डर ये है कि सभी संथल्स को बेसिकली क्या करना है, कि सारी टेरिटरीज़ को प्रॉपरली ऑक्यूपाई कर लेना है, और हम संथल्स जो 82,000 से अराउंड आप सपोज करिए 90,000 के आसपास हो गए होंगे, तो उन्होंने कहा कि हम लोग अब जो जो हैवी टैक्स सिस्टम है इसको नहीं फॉलो करेंगे, हम लोग अपनी टेरिटरीज़ में अपनी सेल्फ गवर्नमेंट बनाएंगे। तो इन सब चीज़ों को देख के ब्रिटिश ऑफिशियल्स के अंदर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन डेवलप हो गई, और फिर ये रिबेल बढ़ा। बट लेटर ऑन इस रिबेल को भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने कंट्रोल कर लिया। सो दिस इज़ बेसिकली दी संथल रिबेलियन, ठीक। अब हम लोग देखते हैं खोंड अपराइजिंग क्या है। तो अभी इसके पहले, इसके बाद आपको मैं पहाड़ी बताऊंगा, बट अभी पहले हम लोग देखते हैं खोंड अपराइजिंग। सो खोंड्स आर यूजुअली फाउंड इन बिहार, ओके, एंड आर कंसिडर्ड एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। तो आप ये याद रखिएगा, ये बिहार में पाए जाते हैं और ये बेसिकली क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, ठीक। देयर मेन लैंग्वेज इज किवी, अभी भी ये लैंग्वेज ही, आप कभी भी अगर आप देखो क्वेश्चन हो कीवी के बारे में, सॉरी कुवी के बारे में बात हो रही है, तो याद रखिएगा कि आप खोंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। और
उसके बाद जो ट्राइब थी ये ऐसा नहीं था कि बंगाल के ही रीजन में थी, ये बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये पूरी पूरी नॉर्थ से साउथ बेल्ट में ये खॉन्ड्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने मेंशन कर दिया कि द ट्राइब स्ट्रेस फ्रॉम बंगाल टू तमिलनाडु। द मेन कॉज ऑफ एंगर, इनके अंदर क्या एंगर था कि एक मारिया सिस्टम था। ये लोग खॉन्ड जो अपराइजिंग थी, इनका एक कॉन्सेप्ट था कि इनका एक मारिया सिस्टम था जिसमें ह्यूमन सेक्रीफाइस होता था। बट ब्रिटिशर्स को जब ये पता चला कि ये जो खॉन्ड्स हैं ये इनका स्ट्रेच इतना ज़्यादा है और इस तरीके के कुछ इनका कॉन्सेप्ट है कि ये मारिया सिस्टम है जिसमें ह्यूमन सेक्रीफाइस होता है, ठीक है, तो उन्होंने ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने क्या किया, कॉलोनियल स्टेट ने इन ट्राइब्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी और इस मारिया सिस्टम जो ह्यूमन सेक्रीफाइस वाला सिस्टम था इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया, ठीक है। और जो लोग इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व थे उनको डायर कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू वार्निंग दी गई या उनको पनिशमेंट दिए गए, ब्रूटल पनिशमेंट दिए गए जिससे इन सब चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये जो खॉन्ड्स थे ये बेसिकली ये भी एक तरीके से पीजेंट्स की तरीके से धीरे धीरे सेटल्ड हो रहे थे, तो इनके ऊपर भी ब्रिटिशर्स के टैक्स सिस्टम, जमींदार्स के जो इंटरेस्ट, मनी लेंडर्स के थ्रू इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें बढ़ती चली गई, तो इनको भी यही सारी दिक्कतें महसूस हुई खॉन्ड अपराइजिंग को। और इनका जो मेन लीडर था जिसने मोबिलाइज किया खॉन्ड्स को, ये था चक्रा बिश्नोई। ये आप नाम याद रखिएगा, मैथ्स दी फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकता है। चक्रा बिश्नोई इज एसोसिएटेड टू विच ट्राइब, इज इट संथल, पहाड़ी और खॉन्ड? सो प्लीज़ डू रिमेम्बर इट इज खॉन्ड। सो चक्रा बिश्नोई ने मोबिलाइज किया और फिर ये रिबेल हुआ, बट लेटर ऑन इन 1855 ग्रेजुअली दिस रिबेल वॉज सप्रेस्ड बाई दी ब्रिटिश ऑफिशियल्स। सो दिस इज द खॉन्ड अपराइजिंग। सो अब हम लोग देखेंगे पहाड़ीज के बारे में। तो आप देखिए ये जो स्लाइड है ये थोड़ी कंजेस्टेड लग रही होगी आपको, बट इसमें सारा कंटेंट है। मैं इस कंटेंट को आपको ब्रीफली बिल्कुल प्रॉपरली समझा दूंगा। अभी आप मेरी वर्डिंग्स को सुनिएगा, उसके बाद हम लोग स्लाइड में एक एक पॉइंट को देखेंगे, ठीक है। तो आपको मैंने जैसे बताया था कि जो ये पहाड़ीज थे ये राजमहल हिल के अपर हिल पोर्शन में रहते थे। तो जी अपर हिल पोर्शन में रहते थे तो वहाँ के जो फॉरेस्ट थे वो काफ़ी डेंस थे, ठीक। ऐसा बोला गया है जो रिवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं कि जो ये अपर हिल्स में जो फॉक्स रहते थे इनको पहाड़ीज बोला जाता था, ठीक। अब ये पूरी तरीके से क्या डिपेंड करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब क्या था, ये एक कुछ पैच ऑफ लैंड क्या करते थे जहाँ पे पहले कल्टीवेशन करते थे, और जब उसमें ये देखते थे कि उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस हो रही है तो उस पैच ऑफ लैंड को ये कुछ समय के लिए छोड़ देते थे जिससे कि उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाए, रिकवर हो जाए। अब ये जो पहाड़ीज थे तो इनके पास कुछ आप कह सकते हो कि मेरिट्स थे, कि ये हंटर्स भी थे, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स भी थे, फूड गैदरर्स भी थे, चारकोल प्रोड्यूसर्स भी थे, सिल्क वॉर्म रियरर्स भी थे। तो ये इनकी मेरिट्स थी और ब्रिटिश ऑफिशियल्स ये सारी चीज़ें इनके बारे में जानते थे। ब्रिटिश ऑफिशियल्स चाहते थे कि पहाड़ीज इनके लिए काम करें, वो फॉरेस्ट कटिंग करें, वहाँ पे लैंड प्रॉपरली जो पैच ऑफ लैंड है उस पे कल्टीवेशन करें, ब्रिटिश ऑफिशियल ऐसा चाहते थे। बट पहाड़ीज क्या थे, ब्रिटिश ऑफिशियल के इस इंक्रोचमेंट वाले कॉन्सेप्ट से पूरी तरीके से डिसएग्री करते थे और वो चाहते नहीं थे कि फॉरेस्ट कटें, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये जो पहाड़ीज थे दे यूज़ टू कलेक्ट महुआ। महुआ एक टाइप का फ्लावर है जो कि फूड के लिए इनका यूज़ होता था, और सिल्क कोकून्स रेजिन ये बेचते थे, वुड चारकोल प्रोडक्शन बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट था, तो इसको भी ये लोग यूटिलाइज करते थे। तो इनकी मोर और लेस लाइफ एज अ हंटर, शिफ्टिंग कल्टीवेटर, गैदरर की ही थी, ठीक। अच्छा, जब डिस्ट्रेस टाइम आता था या फिर कुछ इन लोगों के पास इस तरीके की सिचुएशन आ जाती थी कि जहाँ पे इन लोग के पास खाने के लिए कुछ नहीं रहता था, तो ये लोग जानते थे पहाड़ीज कि जो लोअर जो वैली वाला पोर्शन है जहाँ पे प्लेन है वहाँ पे सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जैसे मैंने आपको बताया संथल्स। तो ये लोग क्या करते थे, ऊपर से जब ये लोग नीचे आते थे तो ये रेडिंग करते थे, जो ये सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट थे वहाँ पे रेडिंग करते थे। तो इसका मतलब डिस्प्यूट था, संथल्स और पहाड़ीज के बीच में भी डिस्प्यूट था, ठीक, क्योंकि रेडिंग करते थे। दूसरा प्रॉब्लम ये थी ट्रेडर्स को कि तमाम ऐसे पैसेजेस थे वो पहाड़ीज के जो फॉरेस्ट एरिया के पासिस के थ्रू वो पैसेज थे, और वो एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में जाने के लिए उन ट्रेडर्स को उन पैसेजेस को यूज़ करना पड़ता था। तो उनको ये भी डर लगता था कि जो ये सामान एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में जा रहा है
तो कहीं ये सामान पहाड़ीज के थ्रू लूट ना लिया जाए। बट पहाड़ीज ने एक टॉल का कॉन्सेप्ट बना रखा था जिससे कि ट्रेडिंग जो हो रही है एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में, अगर वो पर्टिकुलर ट्रेडर एक टॉल कुछ अमाउंट का दे देगा तो उसके करस्पॉन्डिंग उसका जो भी सामान है उसमें कोई भी लूटपाट नहीं होगी। तो ट्रेडर्स भी काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड महसूस करते थे, ब्रिटिश ऑफिशियल भी महसूस करते थे प्रॉब्लम इनसे, संथल भी प्रॉब्लम महसूस करते थे। और एक इनके अच्छी बात ये थी पहाड़ीज के अंदर यूनाइट थे, जो इनके चीफ्स थे वो इन सबको यूनाइट रखते थे, और जब भी कोई मुश्किल होती थी या दूसरी ट्राइब से लड़ाई होती थी तो एक यूनिफिकेशन का कॉन्सेप्ट था। ठीक, बट समय बीतता गया और जैसे जैसे समय बीता ब्रिटिश ऑफिशियल नाराज़ थे इनसे, तो ब्रिटिश ऑफिशियल ने क्या कर दिया, स्टार्ट इंक्रोचमेंट स्टार्ट कर दिया इनके एरिया में। पहाड़ीज़ को ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई, तो पहाड़ीज़ फॉरेस्ट के बाहर आए। जब फॉरेस्ट से ये लोग बाहर आए तो वहाँ पे ब्रिटिशर्स इनकी किलिंग स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये अप हिल से जब नीचे आने लगे तो ब्रिटिशर्स ने इनको मारना स्टार्ट कर दिया। तो एक काफ़ी एग्रेसिव और काफ़ी डिस्प्यूट पहाड़ीज़ और ब्रिटिश ऑफिशियल्स के बीच में हुआ। ठीक है, बट ये सिचुएशन 1780s में अगस्तस क्लीवलैंड ये ब्रिटिश ऑफिशियल के तौर पे थे, तो इन्होंने एक पैसिफिकेशन की पॉलिसी लाई और पहाड़ीज़ और ब्रिटिश ऑफिशियल्स के बीच में कुछ समझौते किए जिससे ये सिचुएशन धीरे धीरे क्या हुई, ग्रेजुअली थोड़ा सा पैसिफाई हुई। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी पहाड़ीज़। तो लेट अस टेक दीज पॉइंट्स। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ पहाड़ीज़ लिव्ड अराउंड दी राजमहल हिल्स, एज आई टोल्ड यू दैट दीज राजमहल हिल्स आर इन झारखंड। दीज पहाड़ीज़ आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ओके, एंड शिफ्टिंग कल्टिवेशन बताया था मैंने आपको। फ्रॉम फॉरेस्ट दे यूज टू कलेक्ट महुआ, ये महुआ फ्लावर के बारे में बात बताया था, फॉर फूड, सिल्क कुकून्स, रेजिन्स फॉर सेल एंड वुड फॉर चारकोल प्रोडक्शन। देयर चीफ मेंटेन यूनिटी ऑफ ग्रुप, ये भी मैंने आपको बताया था। फॉर सर्वाइवल एज दे लिव्ड इन हिल्स दे रेगुलरली यूज टू रेड द प्लेन्स फ्रॉम द ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू इफ यू सी से, सो दे हैव टू गिव द टॉल्स, ये टॉल्स का कॉन्सेप्ट बताया था। उसके बाद देर इज़ ऑलवेज डिस्प्यूट बिटवीन दी पहाड़ीज एंड सेटल्ड एग्रीकल्चर, तो आप सेटल्ड में आप जान ही रहोगे, ये संथल्स के बारे में बात हो रही है। एंड दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द इंक्रोचमेंट, और यहाँ पे इंक्रोचमेंट जो ब्रिटिश ऑफिशियल इंक्रोचमेंट कर रहे थे उनके एरिया में उसके बारे में बात है। इन 1770 में ब्रूटल पॉलिसी जिसमें एक्सटर्मिनेशन और हंटिंग पहाड़ीज़ की मारने उनको ब्रिटिश ऑफिशियल ने उनको मारना स्टार्ट कर दिया, और 1780 में अगस्तस क्लीवलैंड आए और इन्होंने एक पॉलिसी प्रपोज की पैसिफिकेशन की पहाड़ीज़ और ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट के बीच में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्राइबल मूवमेंट बिफोर 1857। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियोज kindly do subscribe, recommend ClassGo Education to your friends. So thanks for watching. Have a good day. Thank you.